बरेली से बीच सड़क फायरिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट आया है। इस मामले में दो बीजेपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एक नाम है उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी का और दूसरा नाम है बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भड़तौल का। पप्पू भड़तौल वही हैं जो कुछ साल पहले अपनी बेटी साक्षी मिश्रा की वजह से काफी चर्चाओं में सुर्खियों में आ गए थे। अब प्लॉट विवाद में फायरिंग केस में बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भड़तौल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। पुलिस ने राजीव राणा, हरिओम, गौरीशंकर, संजय, राधे, आशीष राजन, रोहित ठाकुर, केपी यादव, शिवम माथुर समेत कुल 150 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आपको ये बता दें कि दो दिन पहले बरेली में बीच सड़क सरेआम फायरिंग हुई थी। बरेली में बिल्डर के गुर्गों और मार्बल कारोबारी के गुर्गों के बीच अंधाधुंध गोलियां चली थी और इस फायरिंग से सड़क में दहशत फैल गई थी। अब बताया जा रहा है कि एक होटल पार्टी में बरेली बवाल की स्क्रिप्ट तैयार की गई। रिठौरा से पार्षद केपी यादव इस मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो अभी फरार है और तीन पुलिस की टीमें इस शख्स की तलाश में दबिश दे रही है। तो पहले दिन इस मामले में दो नाम सामने आए, एक था राजीव राणा का और दूसरा नाम मोहित उपाध्याय का सामने आया था। लेकिन अब इस मामले में जब और डिटेल में जांच हुई तो ये मामला दरअसल दो बीजेपी विधायकों, एक बीजेपी विधायक जो कि पप्पू भड़तौल हैं और एक उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री के पति, उन दोनों के बीच आपसी विवाद का नाम सामने आ रहा है। पप्पू भड़तौल जो कि विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और दूसरी रेखा आर्या जो कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके पति, इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का ये मामला है। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली का नाम इस समय सुर्खियों में है। जी हाँ, मामला है इज्जतनगर क्षेत्र में फायरिंग का और उस फायरिंग के जो फुटेज हैं वो पूरे भारत में वायरल हो रहे हैं, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में। इस समय लोग बरेली में हुए इस गोलीकांड की चर्चा कर रहे हैं और अभी ये गोलीकांड तब और सुर्खियों में आ चुका है जब इससे दो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम जुड़ गया है। एक है पूर्व विधायक पप्पू भड़तौल और जबकि दूसरी तरफ जो उत्तराखंड की कैबिनेट मिनिस्टर हैं रेखा आर्या, उनके पति पप्पू गिरधारी। इसमें पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है राजीव राणा, उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो दूसरा पक्ष है रोहित उपाध्याय, उसके पीछे पप्पू गिरधारी का हाथ है। जबकि जो रोहित उपाध्याय वाला पक्ष है उसकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के बिथरी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं पप्पू भड़तौल, उनके नाम नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले पर पुलिस ने सरगर्मी से गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। अब तक आपको बता दें कि 18 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और एक मुठभेड़ हुई है जिसमें पैर में गोली मारकर एक बदमाश जो ललित सक्सेना है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की शासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन जो पूरा जो फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है उसने जो पूरे पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि पुलिस का पूरा मुख्य तंत्र इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फेल नजर आया है। और इसके अलावा जो ICCC के द्वारा शहर की चप्पे चप्पे पर निगरानी करने का दावा किया जा रहा था वो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी देखने को नहीं मिला। ना तो जो कैमरे हैं उसके द्वारा ही प्रशासन को कोई मदद पाई और ना ही मुख्य तंत्र के द्वारा कोई मदद मिल पाई। जो फुटेज है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी ही खड़े होकर प्लॉट पर कब्जा करा रहे हैं और उसके बाद जब रोहित उपाध्याय वहां पर अपनी डबल बैरल गन लेकर आया तो उन्हीं के सामने, पुलिसकर्मियों के सामने उसने फायरिंग शुरू की और दोनों तरफ से जब फायरिंग हो रही थी तो पुलिस वहां पर मौजूद थी। लिहाजा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो कटघरे में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस पूरे मामले में जो दोनों पक्ष हैं उनकी संपत्तियों की पड़ताल पुलिस ने और प्रशासन ने शुरू कर दी है। SSP द्वारा पहले ही दावा किया गया था कि इस पूरे मामले में NSA जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी, इन पर गैंगस्टर लगाई जाएगी और निश्चित तौर पर जो इनकी संपत्तियां हैं उनको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है और जल्दी हो सकता है कि उनके ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि भाजपा के जो दो बड़े नेताओं का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है उसने विपक्ष को एक मौका दे दिया है कि जो अब तक निशान विपक्ष पर लगाए जाते थे, जो गुंडागर्दी और तमाम तरह के आरोप भाजपा के द्वारा लगाए जाते थे, अब क्यों ऐसा हो रहा है कि भाजपा के ही नेताओं का नाम जो शहर से बड़ी जुड़ी हुई बड़ी घटनाएं हैं उसमें सामने आता है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले में खुफिया तंत्र भी इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो पूरी घटना हुई है उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। बरेली से शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज़।
इधर पुलिस ने बिल्डर राजीव राणा और उसके 50 से ज्यादा गुर्गों पर करोड़ों के प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश और प्लॉट पर पहुंचकर जेसीबी से तोड़फोड़ का आरोप बनाया है। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई थी, लेकिन राजीव राणा अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए एक वीडियो राजीव राणा की ओर से जारी किया गया। मैं राजीव कुमार राणा एसएसपी बरेली से बात करना चाहता हूं और अपना पक्ष रखना चाहता हूं। कल हुई उस घटना के संबंध में जिसका आरोपी हमें बनाया जा रहा है, हमने कल कोई गुनाह नहीं किया, कोई गलती नहीं की। हम किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने गए थे। हमारा अपना प्लॉट है वो, जो कि विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, जिसको हमने डॉक्टर भारती गुप्ता से परचेज किया था। पिछले 1-1.5 सालों से इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी हमसे छीनना चाहता है, ताकत के दम पे, अपने गुंडों के दम पे, अपने आदमियों के दम पे। कभी अपने बेटे को लगाता है, कभी उसमें पत्थर रखवा देता है, कभी आदित्य उपाध्याय, कभी अनुज मिश्रा, कभी किसी को, कभी किसी को। और एक बार उन्होंने हमारे घर पर भी चढ़ाई करवाई थी। इस पर माननीय थाना वारदरी इंस्पेक्टर साहब ने मुकदमा लिखवाया और उन पर मुकदमा लिखा गया। उन्होंने हमारे घर पर भी फायरिंग की थी और हमसे रंगदारी भी मांगी थी इस प्लॉट को छोड़ने के एवज में। उसके बाद में पप्पू गिरधारी ने साफ साफ कहा ये प्लॉट हमें दे दो, हमने इसे देने को मना कर दिया। तब पप्पू गिरधारी ने कल किसी कोर्ट के आदेश को ना मानकर, किसी रजिस्ट्री को न देखकर अपने आदमी को भेजकर जबरन हमसे प्लॉट छीना चाहा। जबकि कल जो घटना घटी उसमें इतना बड़ा षड्यंत्र था, कोई सोच भी नहीं सकता। हमें आरोपी बनाया जा रहा था और हम सबको आरोपी बनाकर, क्रिमिनल बनाकर इस प्लॉट को पप्पू गिरधारी छीनना चाहता है ताकि हम लोग जेल चले जाएं और इस प्लॉट पर पप्पू गिरधारी कब्जा कर सके आदित्य उपाध्याय के द्वारा। आदित्य उपाध्याय जिस कागज़ से इसको घर खरीदना चाहता है, छीनना चाहता है, खरीदना चाहता है, दिखाना चाहता है अपना वो प्लॉट, वो प्रॉपर्टी सन 1975 में सेल हो चुकी है, उसका कोई अंश बाकी नहीं है।